निवेशकों के साथ 3,36,98,900 रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में तहसील पुलिस ने श्री संत गजानन जगनाडे महाराज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के शाखा प्रबंधक सहित 3 आरोपियों को धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम विनोद गजानन फटिंग, शाखा प्रबंधक दुर्गा नीरज भवाड़कर क्लर्क शाखा प्रबंधक और दीपक बाबूलाल तेलमास्रे क्लर्क शामिल है। संत गजानन महाराज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के शाखा प्रबंधक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम विनोद गजानन फटिंग शाखा प्रबंधक, दुर्गा नीरज भवाड़कर क्लर्क और दीपक बाबूलाल तेलमास्रे क्लर्क बताया जा रहा है। आपको बता दें कि तीनों आरोपियों को लंबे अंतराल के बाद गिरफ्तार करने की जानकारी पुलिस निरीक्षक विनायक गोल्हे अपराध ने दी। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। तहसील पुलिस ठाणे नागपूर शहर हद्दीमधील संत जगनाडे महाराज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी ही पतसंस्था आहे। या पतसंस्थेमध्ये सन 2001 ते 2021 या कालावधीमध्ये जे ठेवीदारांनी आपल्या ठेवी ठेवलेल्या होत्या त्यामध्ये FD, RD, डेली कलेक्शन अशा ठेवीवर तेथील कर्मचाऱ्यांनी आणि व्यवस्थापक यांनी लोकांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या ठेवीवर बनावट कागदपत्र बनवून, बनावट सर्टिफिकेट बनवून त्या सर्टिफिकेटच्या आधारे लोन उचलून त्या ठेवीदारांच्या रकमेवरती अपहार आणि फसवणूक केल्याचा गुन्हा तहसील पोलीस ठाणे CR क्रमांक 753/21 कलम 420, 409, 461, 465, 467, 468, 471, 477 120 ब आणि 34 भादवी अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला होता। सदर गुन्ह्याचा तपास आम्ही करत असताना सदर गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान श्री संत जगनाडे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटीमधील काम करणारे शाखा व्यवस्थापक श्री विनोद गजानन फटिंग, त्यानंतर श्रीमती दुर्गा नरेश भवाळकर, दीपक तेलमास्रे या 3 लोकांना आम्ही अटक करण्यात आलेली आहे। त्याचबरोबर तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक श्री श्याम नारनवरे आणि तत्कालीन कॅशियर महेश ठोंबरे हे दोघे मयत आहेत, त्यांनासुद्धा आरोपीमध्ये त्यांची नावं निष्पन्न झालेली आहेत। सदर गुन्ह्यामध्ये आतापर्यंत एकूण 3,36,98,900 रुपयाचा इतका आभार झाल्याचे प्राथमिक दर्शा अंदाजित रक्कमेवरून दिसून येत आहे। तरी याबाबत आम्ही पुढील तपास करून या गुन्ह्यामध्ये एकूण किती रक्कम अजून समाविष्ट होत आहे आणि अजून आणखी कोण आरोपी समाविष्ट होत आहे याबद्दल आम्ही सखोल तपास करून पुढील तपास करत आहोत। गौरतलब रहे कि इस मामले में लिप्त अन्य 2 आरोपी श्याम गजानन नारनवरे शाखा प्रबंधक और महेश लक्ष्मण ठोमरे कैशियर की मौत हो चुकी है। आरोपियों ने निवेश करने वाले की FD, RD और डेली कलेक्शन की जमा रकम हजम कर ली। यहां तक कि आरोपियों ने FD और RD के जाली दस्तावेज भी तैयार किए और उस पर निवेशकों के फर्जी हस्ताक्षर कर उनके नाम पर कर्ज तक ले डाला। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस मामले में शिकायतकर्ता दुर्गा भवाड़कर खुद आरोपी हैं। अब तक 5 निवेशकों की शिकायत पुलिस के पास पहुंची है। निवेशकों से पुलिस ने गुजारिश की है कि पीड़ित दस्तावेज के साथ थाने में आकर शिकायत कर सकते हैं। इस मामले की जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक गोल्हे के अनुसार आरोपियों की संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।